भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर बना रहे देश में, और काशी विश्वनाथ बना रहे, मथुरा में बना रहे, मंदिर से प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ ये व्यक्ति मंदिरों को तोड़ता है सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। इसका असली चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है, जनता ने देखा आज। उसको आप तोड़ते नहीं है क्योंकि आपका वो वोट बैंक है केजरीवाल का। सिर्फ हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुओं को टारगेट करा जाता है क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है, इसलिए केजरीवाल भी जानता है कि इनका वोट लो, इनसे चुनाव जीतो और इन्हीं के मंदिर तोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज दिल्ली के मंडावली में एक ऐसा प्रकरण देखने को मिला जहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक हनुमान जी की प्रतिमा रखी है, एक शनिदेव की प्रतिमा रखी है, और उसी को बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर को तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा। हालांकि इस वक्त हिंदूवादी संगठन और सनातन को मानने वाले वहाँ एकत्रित हो गए और डीएम को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेता पहुँचे थे। मेरे साथ इस वक्त यानी कि रवि नेगी जी हैं जो पार्षद हैं विनोद नगर से, और ये भी वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इससे पहले रवि नेगी मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ इसी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायक का। मनीष रवि जी क्या कहेंगे आज पूरे प्रकरण पर, आप कैसे देखते हैं? आज जिस प्रकार तालिबान में हिंदुओं के मंदिर टारगेट करके तोड़े गए थे, तालिबान बात इसलिए करूँगा, सेम प्रकरण वही दिल्ली में हो रहा है। आज दिल्ली में जो ये तुगलकी शासक जो केजरीवाल बैठा है, उसने कसम खा ली है कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ेगा, और उसके साथ उनके डीएम, उनका पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, उनके एसडीएम सब लोग साथ दे रहे हैं। आज जिस प्रकार एक 4x4 का मंदिर जी, जो सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे था, 40 साल पुराना मंदिर, उस मंदिर को तोड़ने के लिए आज केजरीवाल ने करीबन 5000 पुलिसकर्मी और पूरा छावनी में बदल दिया मंडावली एक दिन पहले, और डीएम और एसडीएम मौके में पहुंचे पूरा बुलडोजर लेकर, पर हिंदू संगठनों ने उसका विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम लोग वहां गए और हमने इसका विरोध किया, और मंदिर में हमने आँच नहीं आने दी। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर बना रहे देश में, और काशी विश्वनाथ बना रहे, मथुरा में बना रहे, मंदिर से प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ ये व्यक्ति मंदिरों को तोड़ता है सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। इसका असली चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है, जनता ने देखा आज। आप भी वहां पर पहुंचे, मैंने देखा आप भी वहां पर गए थे, और आपकी एक निगम पार्षद उसी वार्ड की है वो भी वहां पर गई थी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आप क्यों गए, आपको जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां पर आम आदमी पार्टी का तो कोई नेता आया ही नहीं। जब मैंने वहां पर जनता से बातचीत करी कि भाई क्या अगर सरकार चाहती और सरकार के नुमाइंदे चाहते तो शायद अगर कोई विवाद है भी तो विवाद को लेकर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाता, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे, आप क्यों चले गए भाई? भाई मैं यहाँ से एमएलए लड़ा, सबसे बड़ी बात, हाथ लगाएगा तो हमारे खून में भी शिवाजी का खून है और हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार इन लोगों ने पूरी साजिश के तहत बगैर नोटिस के, बगैर कोई इंटीमेशन के, आप सुबह जेसीबी मशीन लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और 5000 पुलिस वालों को आप वहाँ पर डिब्यूट कर देते हैं। मतलब दिल्ली जैसे शहर में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मतलब मंदिर तोड़ रहे हैं, बगल में 10 कदम में एक मस्जिद है, उसका मदरसा है इलीगल, उसको आप तोड़ते नहीं है क्योंकि आपका वो वोट बैंक है केजरीवाल का। सिर्फ हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुओं को टारगेट करा जाता है क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है, इसलिए केजरीवाल भी जानता है कि इनका वोट लो, इनसे चुनाव जीतो और इन्हीं के मंदिर तोड़ो। तो केजरीवाल क्या हिंदू नहीं है? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता नीचे से लेकर ऊपर तक आप मानते हैं कि सनातनी नहीं है या हिंदू नहीं है वो? भाई केजरीवाल को डीएनए चाहिए, इस पर पूरा शक है, ये है ही नहीं हिंदू के कहीं से भी, या इसके परवरिश में कुछ गलती हुई है। जो आदमी राम मंदिर का विरोध करता है, राम मंदिर का, अयोध्या के लला का, और जो आदमी शनिदेव मंदिर को तोड़ता है, जो आदमी हज हाउस को 100 करोड़ रुपए देता है, मौलानाओं को 45,000 रुपए देता है, पर मंदिरों में पुजारियों को 1 रुपया नहीं देना, और जो हमारे मंदिर बने छोटे छोटे मंदिर, उनको मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी करता है, और इनके डीएम खड़े होकर मंदिर तोड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, आखिर ये कैसी राजनीति अब देखने को मिल रही है, कैसी तरीके से राजनीति की जाएगी, और राजनीति के चलते अब भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को देखा जाएगा? क्या है राजनीति का ये स्वरूप, कौन सी तरफ जा रहा है ये स्वरूप? केजरीवाल जैसे लोगों ने मनाया,
क्योंकि ईद का महीना चल रहा है, 28 तारीख को इनकी ईद है, ईद से पहले उनको तोहफा देना था। बगल में दो मस्जिद है, वोट बैंक है, वो जानता है मेरा वोट बैंक है वहाँ पे, इसलिए जानबूझ के एक छोटे से मंदिर को टारगेट करा। पर उसको ये नहीं पता था कि सनातनी लोग वहाँ रहते हैं, मंदिर में आँच नहीं आने देंगे, और लोगों ने मंदिर में आँच नहीं आ रही थी। ये तुच्छी राजनीति आज केजरीवाल जी कर रहे हैं, जबकि मंदिर था। अगर आपने तोड़ना कुछ कार्रवाई करनी थी तो दो दिन पहले आप DM को भेजते। अगर आपको जिससे परेशानी थी, कोई आपको लगता है कि गिरिल अवैध लगी है, तो आप मंदिर प्रशासन को बोलते। मंदिर प्रशासन क्या है? छोटा सा मंदिर, उसका क्या प्रशासन है? चार लोगों की कमेटी है भाई। आप बोलते हैं गिरिल हटा लें, हम गिरिल हटा लेते, पर आपने कोई बात नहीं करी। आपके पास कोई नोटिस नहीं, कोई भी नोटिस नहीं, और आप बार बार दुआई दे रहे हैं इनके लोग कि भाई मदरसा भी तो तोड़ा, वहाँ पे जाके तुमने मदरसा टूटा ना भी एक रोड में, इधर हसनपुर में जी। उसकी दे रहे मजार तोड़ी, पर मजार हाई कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब जाके मजार टूटी, मजार ऑन रोड थी, पर इसका तो कोई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं करा, इसका कोई केस नहीं, इसका कोई नोटिस नहीं, पर सीधी साजिश केजरीवाल ने SDM को भेजा, DM को भेजा, फुल दादागिरी दिखाई। वहाँ बहन बेटियों के साथ बड़ी अभद्रता हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो निगम पार्षद मंडावली की उसके सर में चोट आई, वो ICU में भर्ती है, मेरे कपड़े फट गए और मेरे पैरों में चोट आई, पट्टियाँ लगी हैं सारी सुबह से। मतलब हम लोग इतने संघर्ष से अंदर यही लोग तोड़ रहे थे। रवि नेगी जी, ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी को क्या हिंदुओं के वोट की आवश्यकता नहीं है? लगता है कि हिंदुओं का वोट तो फ्री की रबड़ी बांटता हूं तो मिल ही जाता है। आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप लगातार, मैं आपको देखता हूं, फॉलो भी करता हूं आपको, लेकिन क्या आपको लगता है, आप राजनीति को गहराई से जानते हैं, कैसा आपको लग रहा है कि क्या है आखिर, क्यों है अरविंद केजरीवाल इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? उनको वोट नहीं चाहिए, या उनको लगता है कि हिंदू वोट तो फ्री की रेबड़ी बांटने से मेरे पास है ही है, और मुस्लिमों को मैं इस तरीके से खुश कर दूं तो मैं सरकार में लगातार बना रहूंगा? हिंदू इनको केजरीवाल जानता है कि हिंदू लोग सिर्फ बिजली, फ्री पानी और बिजली के चक्कर में इसको वोट करेंगे, इसलिए उनकी जो धर्म के प्रति जो भी आस्था हिंदुओं के, उसको कोई मतलब नहीं होता, इसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर यही नोटिस गलती से मुसलमानों के मस्जिद में दिया होता, क्या आप सोच सकते हैं कि आज कितना बवाल होता, आज केजरीवाल जी का कितना बवाल करते? पर हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू उदारवादी है, इसलिए केजरीवाल भी जानता है हिंदू उदारवादी, हिंदू कुछ करेगा नहीं, कुछ भी कर लो हिंदू के साथ, इसलिए वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे एक वोट बैंक उनका सॉलिड रहे, उनका मुसलमान वोट बैंक सॉलिड रहे, और हिंदू तो उन्हें दे गई क्योंकि उसकी फ्री बिजली आ रही है, उसको पानी मिल रहा है, उसकी बहन बेटियाँ फ्री में बसों में जा रही है, उसको पता है हिंदू तो दे ही देगा वोट। लेकिन बहन बेटियां मर भी तो रही हैं दिल्ली में, तो ये मैं साक्षी का कांड बताऊं आपको, निकिता तमाम कांड पे जो केस हुए हैं उस पर मैं खुद बकायदा रिपोर्टिंग मैंने की है। जब मैं उनके परिवार से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि अब दिल्ली रहने लायक नहीं बची। ये सब लोग केजरीवाल के आड़ में हो रहा है, और सबसे पहले कौंडली की एक दलित बेटी थी जो पंत हॉस्पिटल में जॉब का काम करती थी, उसके साथ किसी भी न्यूज़पेपर ने छापने की कोशिश नहीं करी। और अभी जो साक्षी बेटी के साथ जो डेयरी में हुआ, सावा डेयरी में, वो बेटी भी हिंदू थी और उसके साथ भी करने वाला मुस्लिम था, साहिल। तो ये सब इनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है? केजरीवाल जैसे लोग बढ़ा रहे हैं। जब वो छोटा सा मंदिर है उसको तोड़ने के लिए आप पुलिस भेज सकते हो, आप पूरा प्रशासन भेज सकते हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो इनके लिए। और सबसे मजे की बात, ना कौंडली की बेटी के घर 1 करोड़ का चेक लेके गया, ना वो साक्षी के घर 1 करोड़ का चेक लेके गया। यही अगर मुसलमानों के साथ वारदात होती, सबसे पहले केजरीवाल लंबी कमीज पहनकर उसके घर जाता और 1-1 करोड़ का चेक देके आता। पर हिंदू, उसे पता है बेवकूफ है, हिंदू कुछ कहेगा नहीं ना कुछ करेगा, सिर्फ कैंडल जलाएगा 10 दिन, मोमबत्ती जलाएगा 10 दिन, बस गली हल्ला करेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। ये केजरीवाल जानता है इस बात को, केजरीवाल को खबर है, इसलिए केजरीवाल हमेशा हिंदू का विरोधी है। मोदी को हटाएगी और केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, इसी पार्टी ने भी दिल्ली में पोस्टर लगवाए कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हुई, जिस पार्टी का एक सांसद, सिर्फ एक सांसद लोकसभा वहाँ है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं 243 सीट जीतूंगा। ये तो बड़ा हास्य, मतलब हंसने वाली बात हुई। मतलब ये लोग संसद में जाएंगे,
मतलब आज देश की जनता मोदी जी पे विश्वास करती है, और आज जो विश्व पटल में जो मोदी जी का नाम है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आज पूरा देश जानता है अगर मोदी जी नहीं होते कोरोना काल में हाहाकार मच जाता, लाखों लोग मर जाते। इसने दिल्ली वालों को मरने छोड़ दिया था। अमित शाह जी ने लास्ट टाइम छतरपुर में 10,000 बेडों का अस्पताल बना दिया, नहीं तो दिल्ली में लाशें बिक जाती। लोग जानते हैं कोरोना काल में कोविड का इंजेक्शन लगाने वाला पहला हमारा भारत था, जिसने पूरे लोगों को बहुत कम समय में वैक्सीन लगाई। यही लोग मजाक उड़ा रहे थे कि मोदी वैक्सीन कब लगाएगा। 250 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किसी ने करा? नरेंद्र मोदी जी ने करा। 75 लाख करोड़ लोगों को, 80 करोड़ को राशन देने का काम किसी ने करा? मोदी सरकार ने करा। बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार किसी ने सरकार ने दिया तो मोदी सरकार ने दिया। क्या लगता है अब इस पूरे प्रकरण पे क्या आगे देखने को मिलेगा? आज तो हालांकि जो प्रशासन आया था वो चला गया, लेकिन आपकी बात हुई होगी, आप पार्षद हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप MCD को भी समझते हैं, आप PWD को भी समझते हैं, आप क्या होगा इसमें आगे? ये बड़े प्लान तरीके से काम किया है इन्होंने, इसलिए किया, ये MCG से भी तोड़वा सकते थे, पर इनको पता था कि MCG के पार्षद वहाँ पर BJP की है और यहाँ से मैं हूँ, इसलिए हम इसको टूटने नहीं देते। ये जानबूझ के षड्यंत्र के तहत PWD को मोहरा बनाया, SDM DM को मोहरा बनाया, एक अलग एजेंसी। आपने दिल्ली में तो सुना होगा कि MCG तोड़ रही है, पर आपने दिल्ली में ये नहीं सुना होगा कभी कि PWD और SDM तोड़ रहा जाकर। ये षड्यंत्र के तहत करा, और इनका षड्यंत्र हम कामयाब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक हम यहाँ पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी उस मंदिर में आँच नहीं आएगी, हमने संकल्प लिया और लोगों को विश्वास दिलाया। तो हमारे साथ नेगी जी हैं, जिनका ये कहना है कि तरीके से आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी ने पूरे षड्यंत्र तरीके से उस मंदिर पर ना बिना नोटिस के आज फोर्स भेजी, और महज एक छोटे से मंदिर जो कि पीपल के पेड़ के नीचे एक प्रतिमा रखी हुई है, हालांकि पूरा मंदिर भी वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा हो, चार दीवारी खड़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पर पूरे षड्यंत्र तरीके से फोर्स भेजी गई। लेकिन जब हिंदूवादी संगठन वहाँ एकत्रित हो गए तो कहीं ना कहीं उस फोर्स को बैरंग लौटना पड़ा, और संकल्प ये लिया है कि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे इस तरीके की ओछी राजनीति को भी नकारते रहेंगे, और जिस तरीके से अगर सनातन के मानने वालों के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो खुद रविंद्र नेगी का कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, सड़क से लेकर संसद तक इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।